हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। एक और माइनक्राफ्ट की हॉरर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज की वीडियो इतनी खतरनाक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। क्या कर रहे हो यार। और मैंने सुना है कि वीडियो को लाइक बटन काम नहीं कर रहा है। सो गाइस, आज हम लोग जिस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर एंटर हो चुके हैं ना, वो एक माइनक्राफ्ट का ऐसा वर्ल्ड है जो कि आप लोगों ने कभी माइनक्राफ्ट की पूरे वर्ल्ड में कभी भी कहीं भी नहीं देखा होगा। और इस वर्ल्ड के अंदर गाइस हमको बाहर निकलने के लिए अपने हाथ में बंदूक लेनी पड़ती है, क्योंकि बाहर हमें कोई भी मॉन्स्टर एकदम से मिल जाता है। लेकिन फिलहाल हम लोग अपने घर के अंदर हैं, सो यहाँ पे हमें कोई मॉन्स्टर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं थोड़ी शूटिंग की यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों को यहाँ पे मार के शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यानी कि मैं प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को अगर बाहर कोई मॉब मिलता है तो मैं उसको एक ही बार में मार तोड़ के उसका काम तमाम कर पाऊँ। लेकिन रुको भाई, मेरे को अपने सभी दोस्तों को मारना पड़ेगा। ओके, मैंने इन सभी दोस्तों को मार दिया। और देखो, मैं इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करने वाला हूँ यहाँ पे। ओके ओके, वाओ वाओ, बहुत ही बढ़िया एम मेरा भाई। गाइस, मेरा एम ऐसा बन चुका है, मतलब मेरा निशाना ऐसा बन चुका है कि वो चूकने वाला तो है ही नहीं गाइस। सो आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करते रहो, आप लोग को बहुत ही मजा आने वाला है। सो यहाँ पे गाइस, मैंने वो गन फेंक दी है और मैं जा रहा हूँ अपने घर के ऊपर बेसमेंट में, सॉरी दूसरे वाले फ्लोर पे आ चुका हूँ। सो गाइस, यहाँ पे बैठते हैं, माइनक्राफ्ट वगैरह खेलते हैं। माइनक्राफ्ट के अंदर माइनक्राफ्ट खेलने में अलग ही मजा है, नेक्स्ट लेवल वाला। सो फटाफट खेलते हैं। ओ, ये क्या हो गया भाई इसमें। ओ गाइस, यहाँ पर देखो, मैं अपने दोस्त से वीडियो कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर राइडर और मार्शल पता नहीं अपने घर पे क्या ही कर रहे हैं। पता नहीं ये लोग पागलपंती कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं गाइस। ओ, और ये क्या, उनकी विंडो से कौन झांक रहा है। ये तो एक घोस्ट है जिसका नाम है गाइस ओबुंगा, और इसने राइडर और मार्शल दोनों को ही मार दिया। What is this guys? ये क्या हो गया वहाँ पे। हम लोग यहाँ अपने घर पे बैठे हुए हैं और मैंने उससे वीडियो कॉल करी और वहाँ पता नहीं क्या ड्रामा हो रहा है भाई, और हमारे बिना हमको ये पता भी नहीं है। सो अब हमको अपने दोस्त को बचाने के लिए जाना पड़ेगा भाई, उसकी जान खतरे में है गाइस, वो बेहोश हो चुका है। और हमने अगर उसको नहीं बचाया तो हम लोग दोस्ती किस बात की यार, हम लोग तो एक दुश्मन कहलाएंगे फिर। तो चलो फटाफट चलते हैं बचाने के लिए गाइस। चलो यार, हमें अपने दोस्त को बचाना ही पड़ेगा गाइस, बहुत ज़रूरी है उसको बचाना गाइस उसको। सो मैंने बहुत ही खतरनाक वाला आर्मर पूरा सूट पहन लिया है और हाथ में ले लिए गन काफ़ी सारी। तो चलते हैं अपने दोस्त को बचाने के लिए गाइस, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगा। और मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि ये जो वर्ल्ड है वो पूरी तरह से खतरनाक कस्ड है, और इसीलिए यहाँ पर जगह जगह पर मॉन्स्टर मिलते रहेंगे। सो हमको बहुत ही सावधानी के साथ जाना पड़ेगा वहाँ से वहाँ। और यहाँ पे कोई है क्या, पता नहीं कौन आ रहा है भाई, कौन है। ओबुंगा यहाँ पे आ चुका है गाइस, देखो ये कैसे यहाँ पे। ओ माय गॉड, यहाँ पे भाई एक्सप्लोजन कर रहा है भाई, कितने बम फोड़ रहा है भाई ये। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही डेंजरस है गाइस, इससे लगता है फाइट करना काफ़ी मुश्किल मेरे लिए हो जाएगा। ओ भाई साहब, ये क्या ही कर रहा है भाई, ये तो तोड़ रहा है पूरा घर। ओ भाई, क्या ही ब्लास्ट कर रहा है भाई यहाँ से वहाँ, लगता है ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है गाइस। तो रुको गाइस, ओके मैं इस पर ब्लास्ट कर रहा हूँ लेकिन इसके कुछ हो ही नहीं रहा भाई। मैं इस पर गाइस 100-200 ब्लास्ट कर दिए बट इसके कुछ हो ही नहीं रहा है भाई। और ये यहाँ पे सारे के सारे घर को डिस्ट्रॉय कर रहा है अपनी ताकत से। भाई साहब बच गया भाई, इससे भाई डैमेज मेरे को ही आ रहा है, इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ओ भाई, ओ माय गॉड गाइस, मैं करूँ तो क्या करूँ भाई, ये तो मरने का नाम ही ले रहा है और ना इसके 1% डैमेज आ रहा है। ओ, मैंने एक चिकन को मार दिया, वो तो पूरी फट चुकी है, लेकिन इस बंदे को, इस बेवकूफ को, साले को कुछ भी नहीं हो रहा है। लगता है ये मरना चाहता भी है या फिर नहीं चाहता है, मुझे नहीं पता गाइस क्या इसका हाल है। बट ये तो काफ़ी डेंजरस टाइप का बंदा है जो कि यहाँ से वहाँ घूम रहा है बट ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरी सारी गन खत्म हो चुकी है और मैं इसको मारूँ कैसे। ओ भाई, भी भाग रहा है, ये भाग क्यों रहा है ऐसे, पता नहीं क्यों भाग रहा है, मुझे नहीं पता। और वेट, गायब हो चुका नहीं सामने। ओ पता नहीं कहाँ जा रहा है, रुक भाई रुक, अरे रुक जा भाई, कहाँ जा रहा है। ओ गाइस, वो गायब हो चुका है आई, लेकिन आई थिंक वो यहीं कहीं आया होगा, शायद वो इस तरफ ही आया था। ओ, वो तो इस पोर्टल के अंदर चला गया, तो हमको भी जाना पड़ेगा भाई इसके अंदर और देखना पड़ेगा कि आखिर वो कहाँ गया। ओ माय गॉड गाइस, ये क्या है, इतने सारे माइनक्राफ्ट के भूत जो मेरे पीछे पड़ चुके हैं गाइस, ये बहुत सारे भूत हैं। इनका चेहरे, इनके मुंह देखो भाई, कितना खतरनाक है भाई, भूतनी वाला, ये तो बहुत ही खतरनाक भूतनी है, भूत है गाइस, भागो यहां से, ये तो चुड़ैल है गाइस, भागो यहां से। ओ माय गॉड, इतने सारे भूत और वो भी एक साथ हमारे पीछे पड़े हुए हैं, और मेरे और मेरे मेन दोस्तों के साथ। भाई मेरे को बचा लो, गॉड प्लीज हेल्प मी प्लीज। ओ, मैं इनको गन से मार तो रहा हूँ लेकिन गन से इनको कुछ हो नहीं रहा है और ना ही ये मर रहे हैं।
तो इनको मरने के लिए गाइस काफी खतरनाक गन के शॉट मारने पड़ेंगे। बट ये तो मरने का नाम ले ही नहीं रहे भाई, मर जाओ तुम भूत हो तुम जो भी हो भाई। ओ भाई ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई क्या कर रहे हो गाइस, ये तो बहुत ही डेंजरस है गाइस, इनको मारना बहुत मुश्किल है ब्रो। सो गाइस मैं पूरा अपना पूरा ट्राई कर रहा हूं उनको मारने का, बट ये तो मरने का नाम ही ले रहा। ओए आराम से भाई, आराम से करो भाई, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है गाइस। हम लोग गए। अरे मेरे आग लग गई है गाइस, हम लोग गए पक्का। ओ भाई ये लोग क्या हो रहा है भाई। ओके इन्हें मारो, ये मरने का भाई, मर जाओ प्लीज भूत तुम जो भी हो, मर जाओ भाई। भाई मेरे को घेर लिया इन लोगों ने। ओके ये लोग मर रहे हैं, आई थिंक ये लोग गाइस हल्के हल्के मरते जा रहे हैं। ओके यहाँ पे बहुत ही कम बचे हुए हैं, वाओ। ओके यहाँ पे सिर्फ एक बचा हुआ है, इसको मारना पड़ेगा फटाफट, इसको मार। ओके गाइज अब आपके भाई रिच माइनर ने सभी के सभी लोगों को मार दिया है, और अभी हम लोग यहाँ पे एक खतरनाक सी स्टेयर्स हैं जिनके ऊपर जाने वाले हैं, और देखते हैं आखिर ये स्टेयर्स कहाँ पे गई हैं। ये एक सीक्रेट रास्ता भी हो सकता है हमारे लिए, सो चेक करते हैं आखिर ये स्टेयर्स कहाँ पे गई हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ पे आखिर ऊपर की तरफ है क्या चीज़। ओ माय गॉड, यहाँ तो और सारी भूत और भूतनियाँ हैं, तो इन्हें भी हमको मारना पड़ेगा वरना गाइज ये हमें जान से मार देंगी। सो इनको फटाफट मारो मारो मारो। ओके 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 भाई मार रहा हूँ मैं, लेकिन ये तो काफ़ी डेंजरस होती हैं और काफ़ी देर में मरती हैं भाई। अरे भाई मैं क्या करूँ, कोई मेरे साथ कोई हैवी तो नहीं जो मेरी हेल्प करे, मुझे जो करना है अकेले ही करना पड़ेगा गाइस। सो इन्हें मार तो रहा हूँ मैं, बट ये मर ही नहीं रही हैं। अरे मर जाओ प्लीज़ भाई भूतनियों, मर जाओ प्लीज़। ओ माई गॉड भाई ये मरने, भाई ओ मैं क्या करूँ गाइस। ओके आई थिंक ये मर रही हैं। ओके गाइस आपके भाई रिच माइनर ने एक बार फिर से इन सभी भूतों को मार दिया है, और अब अंदर क्या है। ओ भाई गॉड, एक और चीजें भाई कितनी सारी मेरे को मिलने वाली हैं, और आज मेरे को पता नहीं मैं कितने लोगों से फाइट करने वाला हूँ, कितने लोगों से फाइट कर चुका हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये काफी खतरनाक है भाई। मेरी तरफ क्यों आ रही है गाइस, एक बार आप लोग इनकी आंखें देखो, ओंठ देखो भाई, दांत देखो, बाल देखो, एकदम भाई गैनी की तरह ये लोग लगता है। और ये गाइस जितने देखने में आपको स्कैरी लग रहे हैं उससे कहीं ज्यादा, कहीं 100,000 गुना ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप लोग इनसे फाइट करोगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये कितने खतरनाक हैं भाई। मेरे को भी पता है मैं इनसे फाइट कर रहा हूँ, इसीलिए गाइस सो गाइस इनको झेलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैंने झेल पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए भाई नॉर्मल सी बात हो चुकी है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी से फाइट कर चुका हूँ, लेकिन ये भाई ओके मैंने काफ़ी लोगों को मार दिया है। ओके फाइनली आपके भाई ने एक बार फिर से इन सभी को मार दिया। वेट, अबे यार ये मैं पागल हो चुका हूँ भाई, मैं कितनों से फाइट करूँ भाई, अब तो मेरे को ये नॉर्मल से लगने लगा है भाई, फाइट करते 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 करते, लेकिन मेरे को मारना पड़ेगा इनको। मारो फटाफट से, मारो इनको, मारो 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 मार दो मार दो। ओके ये ले एक और ले। ये देख गन का शॉट ले फटाफट से, ले निकल से, भाग जा भूतनी। अरे जा भाई जा, भाग जा, वरना मैं हनुमान जी का मंत्र गाऊंगा अभी, तो खुद ही भाग जाएगी। वाओ ओके यहाँ पर एक जो भूत है वो यहाँ पे बंद है गाइस जेल के अंदर, इसको हम लोग कैसे बाहर निकालते हैं। वेट, लेकिन ये हमारा दोस्त है ना, आई थिंक नहीं ये हमारा दुश्मन है, तो मैंने इसको ऐसे बाहर क्यों निकाला भाई, मुझे नहीं पता, बट मैंने ऐसी बात को निकाल दिया, मुझे माफ कर दो। वाओ ये देखो मैंने इन सभी को मार दिया है, अब चलते हैं पोर्टल के थ्रू। ओके सो गाइस कैसे हो आप लोग, एक और नई माइनक्राफ्ट की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, और आज की वीडियो बहुत ही ओपी होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, और वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। यहाँ पे गाइस देखो एक पटरी है जिसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ काफ़ी सारे गाजर, और क्या आपको पता है मैं गाजर यहाँ पे क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाजर को देखने के बाद कोई यहाँ पे आने वाला है उसको खाने के लिए, और वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि यहाँ पे आने कौन वाला है। वेट करो, देखो वो आ चुका है, देखो वो आ चुका है, अभी ये चोर है मेरा भाई, मतलब ये सारी गाजर मेरी यही खाता है, अब इसको पकड़ता हूँ, रुको फिर इसको मारूंगा। वेट थॉमस, हाय थॉमस, थॉमस गाइस थॉमस यहाँ पे कैसे आ गई, और गाइस ये थॉमस जा कहाँ पे रही है, ओ माय गॉड कहाँ भाई क्या कर रही है वहाँ पे, शिट गाइस उसने तो पिक को मार दिया, और ये एक नॉर्मल थॉमस नहीं है, ये एक स्कैरी थॉमस है, इसका मुंह देखो गाइस, और इसके पूरे ट्रेन के ऊपर पूरी खूनी खून लगा हुआ है भाई, कहाँ जा रही है ये गाइस, अरे ये आई कहाँ से थी और जा कहाँ पे रही है मुझे कुछ भी नहीं पता रियली गाइस, मैं इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। ओ माय गॉड इतना बड़ा रोलर कोस्टर यार,
और ये ऊपर की तरफ जा रही है, पता नहीं कहाँ पे गई होगी। लेकिन गाइस इस बेचारे पिक को तो इसने मार दिया, कोई बात नहीं गाइस, उसको हम मारने वाले थे, हमारे मारने से पहले इसने मार दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन गाइस मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये कौन थी। सो मैं जा रहा हूँ अपने घर पे नीचे की तरफ, ये मेरा एक सीक्रेट हाउस है, मैं अपनी बेसमेंट के अंदर आ चुका हूँ। एंड यहाँ पे गाइस देख, ओ वाओ डोर है यहाँ पे, तो हाँ ये तो मेरा ही डोर, चलते हैं इसके अंदर देखते हैं क्या है। ओए मिनियन भाई क्या कर रहा है? अरे भाई पूरे दिन ही तू ये करता रहता है भाई, पता नहीं यार तू भाई कब सुने बात सुन भाई, बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल भाई, ऐसे बाहर निकल काम है तेरे से। अरे भाई बाहर निकल जा प्लीज ब्रो, पागल है क्या? सुन लिया कर बात मेरी। ओके गाइस मैंने अपने मिनियन दोस्त को अपने साथ ले लिया है ताकि हमें कोई अगर आगे चल के प्रॉब्लम होती है तो हमारी हेल्प के लिए ही हमारे काम आने वाला है, क्योंकि मैं अकेले कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं अपने साथ अपने दोस्तों को हमेशा रखता हूँ, हमेशा हमेशा हमेशा। तो भी हम लोग जाने वाले हैं बाहर, और पहले मैं उसको सारी बातें बता। मिनियन भाई तेरे को पता है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे को थॉमस मिली थी यार, और वो पता है पटरी के ऊपर से आ रही थी, फिर उसने एकदम से वो उसने एक पिक को मार भी दिया जान से यार, और वो एक स्कैरी थॉमस ही। अच्छा तेरे को सब कुछ पता है? गाइस ये बोल रहा है मेरे को ये सारी बातें ऑलरेडी पता है, लेकिन तूने कुछ किया क्यों नहीं फिर? गाइस ये बोल रहा है कि अभी ये सही टाइम नहीं है कुछ करने का, अभी हम लोग आगे चल के वीडियो में सब कुछ करने वाले हैं। तो गाइस मैंने कहा ठीक है गाइस, तो देखते हैं क्या होता है आज। सो ओ माय गॉड ये मिनियन जो है वो हमको लेके आ चुका है एक मैजिशियन के घर पे। लेकिन व्हाट ये क्या भाई, इसके घर के अंदर ऑलरेडी एक थॉमस खड़ी हुई है जो कि स्कैरी है। भागो यहाँ से, ओ माय गॉड भागो यहाँ से गाइस, यार भागो यहाँ से, लगता है हमारी जिंदगी खराब होने वाली है आज। ओ माय गॉड वो आ रही है काफी भाग। भाई तू कहाँ लेके आ गया मिनियन भाई, मैं कहाँ पे लेके आ गया तू? गाइस यार मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे यार मोमोगल सॉरी वो थॉमस खड़ी हुई है, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आता गाइस, थॉमस बहुत ही स्कैरी होती है। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने दोस्तों के साथ इस केव के अंदर ताकि हम लोग उस थॉमस से बच पाएं। और आई थिंक ओ माय गॉड थॉमस तो यहाँ पर भी है गाइस, थॉमस तो हमारा पीछे छोड़ ही नहीं रही है यार। हम लोग आ चुके हैं माइनशाफ्ट के अंदर, लेकिन भाई करें तो क्या करें गाइस, वो तो हमारे पीछे आए पड़ी है, आए पड़ी है, आए पड़ी है। सो गाइस ओ माय गॉड प्लीज गॉड हेल्प मी, प्लीज गॉड हेल्प मी। ओके गाइस फाइनली मेरे दोस्त ने इसको पूरा बंद कर दिया है, इस केव को शायद वो हमारे पास नहीं आ पाएगी। और गाइस नीचे देखो एक पोर्टल है, नीचे देखो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक ये क्या है? ओके शायद ये पोर्टल है, नहीं यार ये पोर्टल नहीं है। ओके गाइस लेकिन नीचे एक पोर्टल है पक्का, मैंने भी देखा था, चलते नीचे। ओके हम लोग नीचे आ चुके हैं, यहीं कहीं पोर्टल है, एक चेक करना पड़ेगा कहाँ पे आकर, यहीं कहीं था भाई, मैंने देखा था वो रहा सामने खड़ रहा है पोर्टल, हमको इस पोर्टल के अंदर जाना ही पड़ेगा। और अगर हम लोग उसके पास नहीं जाएंगे तो शायद थॉमस हमें पकड़ लेगी, और अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमको इस पोर्टल के अंदर जाना ही पड़ेगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे। वेट ये बंदा कौन है? पहले इनको मारो भाई, कौन है? मारो 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 भाई, इन्हें मार दो भाई, कौन है? पता नहीं कौन है इनमें, रुको मैं मार रहा हूँ गाइस स्नाइपर से, ये मर रहे हैं शायद आई थिंक। ओके ये आराम से मर चुके हैं गाइस। सो अब चलते हैं गाइस वहीं पे जहाँ सामने एक पोर्टल है, फटाफट चलते हैं। ओके हमको फटाफट वहाँ जाने का है, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, वरना हम लोग यहीं फंसे रह जाएंगे। सो फटाफट चलो फटाफट चलो। ओके हम लोग फाइनली आने ही वाले हैं। ओके हम लोग कुछ ही दूरी पे हैं गाइस, हम लोग आ ही गए हैं बस। ओ माय गॉड थॉमस आ रही, भाग यहां से भाई, मिनियन फटाफट कर भाई, मिनियन फटाफट भाग फटाफट भाग मिनियन। तो भाई थॉमस आ चुकी है गाइस, थॉमस आ चुकी है यार, वो हमारा पीछा छोड़ ही नहीं दिया, पता नहीं क्या दिक्कत है उसको मेरे से भाई, मैंने उसका बिगाड़ा क्या है। सो वो तो अच्छा हो कि हम लोग आ चुके हैं पोर्टल के पास, सो अब चलते हैं इस पोर्टल के अंदर। भाई वो आ रही है, भागो यहां से। ओके सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं पोर्टल के अंदर, और यहां पर देखो व्हाट ये क्या है, डायमंड का इतना बड़ा डॉलर का साइन, ये तो एक डायमंड का डॉलर का साइन है, बट वेट यहाँ भी किसने बनाया होगा, लेकिन ये इसका काम क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता। इसको ऑन करता हूँ लीवर को, लेकिन कुछ तो यहाँ पे हो रहा है। वाओ डायमंड मिल रहा है मेरे को, ओ भाई लगता है लीवर को ऑन करने से डायमंड मिलते हैं भाई, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है यार, मजा आ गया भाई गाइस, बहुत ही लाजवाब है। ओ ओ माय गॉड मुझे लगा ही था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ खतरनाक जरूर होगा। एंड गाइस जो बंदा है वो हमारे सामने खड़ा हुआ जो कि पूरा डायमंड से बना हुआ है, और ये तो मरता भी नहीं है यार जो कि हमें डायमंड दे रहा था, बट इसने हमारे साथ धोखा किया और ये भाग कर रहा है। ओ भाई ये भाग रहा है, डर के मुझसे भाग रहा है, रुको मैं शायद इसको मार सकता हूँ, शायद मैं इसको मार सकता हूँ। ओके भाग जा भाई, भाग जा ऐसे, भाग जा भाई। ओ इसने तो पोर्टल भी तोड़ दिया यार, रुको इसको मारना ही पड़ेगा। अरे भाई कहाँ भाग रहा है, रुक जा भाई कहाँ भाग रहा है, स्टॉप प्लीज स्टॉप भाई। गाइस पता नहीं ये बंदा कौन है, उड़ गया भाई वो, गाइस वो भाग गया बहुत स्पीड में यार, अब शायद हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे भाई। गाइस वो भाग चुका है, वो हमारे हाथ से बहुत दूर जा चुका है, अब शायद वो हमारे हाथ कभी नहीं आने वाला है। बट वेट यहाँ पे एक पोर्टल है, पोर्टल वाओ पोर्टल यार वाओ 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 गाइस, लेकिन ये पोर्टल कहाँ पे गया होगा मुझे कोई आइडिया नहीं, चलो देखते हैं इसके अंदर। ओ माय गॉड ये मैं कहाँ पे आ चुका हूँ,
वाओ यार, ये कौन सी जगह है गाइस? और यहाँ पे काफी सारे मिनियन है, मेरे को गाइस इनसे फाइट करनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली। मारो इनको, मारो गाइस, तुमको मारना पड़ेगा भाई। कितने कितने सारे हैं भाई, तीन तीन, इनको मारो भाई। ओके, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, निकल ऐसे। एक और इसको मारना पड़ेगा फटाफट, निकल निकल, अबे निकल यहाँ से भाई, टाइम नहीं थे भाई। बस एक और था यहाँ पे, एक और था, कहाँ चला गया? हे भाई, तू कहाँ पर गया? अरे कूद गया भाई, वो कांप की बस, वो डर की वजह से पहले कूद गया मुझसे। लेकिन अब शायद यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो